अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे, अल्लाह पाक के करम से। मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। अच्छा जी, ये ना व्लॉग डेट फिक्स है, एक दिन पहले का है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर डेट फिक्स हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और जनवरी से स्टार्ट है हमारे घर की शादी, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जनवरी में स्टार्ट है, और क्या डेट है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कंफर्म करके दिखाऊंगी, और कार्ड भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर घर देखिए माशाल्लाह से पूरा सज चुका था, और ये सामने वाली जो बिल्डिंग है ये हमारे दादा की है, बड़े अब्बू की, तो वो आपस में एक ही घर हैं, तो हमने दोनों ही घर सजवाए थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम घर सजा रहे हैं, बाहर की बिल्डिंग सज रही है, तो घर भी अंदर से थोड़ा सा सजना चाहिए, ताकि पता चले भाई वाकई इस घर में शादी है। तो हमने बस सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो हम तीनों बहनें लग गए थे काम पे, और बस सजाने लग गए थे घर पूरा, और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। और रात में हम लोगों ने सजाया था, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि रात में कर लेते हैं, ताकि बच्चे बच्चे डिस्टर्ब ना करें, पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया था। करते करते हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 2:10 हो चुके थे, तो अब हमें लग गई थी इतनी तेज़ भूख, क्योंकि हम लोगों ने 9 बजे खाना खा लिया था। तो ये मेरी बहन का बेटा है, तो मैं मैगी बना रही थी, कहने लगा मैं बनाऊँ आज आपके ब्लॉग में, मैं आऊँ ना? हाँ ठीक है आ जाओ। तो उसने बस आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें बातें की, आप लोग देखें कैसे व्लॉगिंग कर रहा है, दाल रोटी बनाना आता है? अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी प्याज ब्राउन हो रही है। रेहान बताते रहो क्या कर रहे हो। अभी प्याज को ब्राउन कर रहा हूँ। ओके, तो आपके पास गैस नहीं आ रहा, तो आप क्या कर रहे हो? इस पे गरम किया है, इलेक्ट्रिक चूल्हे पे। ओके, अच्छे से फ्राई करो। रेसिपी भी बताओगे हमारे साथ? डन। ओके रेहान, सही से फ्राई करो। रेहान सही से फ्राई करो। रेहान स्पून ही गलत पकड़ा है ना, यूं पकड़ो। हाँ अब क्या डालेगा रेहान? अब डालेगा लहसुन अदरक। ओके, कितनी स्पून? 1 टीस्पून। 2 टीस्पून, 1 कम हो जाएगा ना, डाल दो 1 एक और। ओके डन। अब क्या होगा, टमाटर डाल देने चाहिए? अब यस डाल। किचन थोड़ा सा मैसी हुआ हुआ है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि टाइम इतना हो गया था, तो अभी अभी फ्री हुए। और बस यहाँ पर अच्छे से हम थोड़े सॉफ्ट होने देंगे टमाटर को, और इसको कवर कर देंगे ताकि जल्दी से हो जाएगा। कवर कर दे। यस। तो कुछ बोलो रेहान, आप हमारे व्यूवर्स से क्या बोलना चाहोगे? अब हमने कवर कर दिया, अब हम इसे 5-10 मिनट बाद देखेंगे। आप कुछ बोलना चाहोगे मेरे व्यूवर्स से? मैं आपके व्लॉग में फर्स्ट टाइम आया हूं, और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, तो आप लोग कर दें। और आयजा यहां बैठी हुई है, अपनी मैगी एंजॉय कर रही है। और आयजा अपने बटन क्यों खोले सारे, क्या खा रही हो आप? अच्छा, किसी ने लाइव मुझसे पूछा था, आयजा आप पैंपर करती हो? तो सबको आप बता दो, नहीं मैं डायपर नहीं करती, मैं बड़ी हो गई हूँ। तो आयजा भी बहुत ज़्यादा बिजी है मैगी खाने में, तो मुझसे किसी ने पूछा था कि आप आयजा की डायपर करती हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आयजा के मैं पैम्पर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ मैं रात को सोते हुए करती हूँ, अदरवाइज़ जब इसको वॉशरूम जाना था वो मुझे बता देती है। और ये मेरी बहन की बेटी है, और आप कुछ बोलना चाहोगी? नहीं। ये तो निकालो मुझसे प्लीज़। 5 मिनट बाद हमने आके खोला तो ये बिल्कुल सेट हो गए, सॉफ्ट हो गए। यस। थोड़े से हम और करेंगे, क्योंकि मैगी बहुत ही अच्छी बनेगी। ओके। तो रेहान अब आप क्या डालने लग गए? अब मैं मैगी के सॉस डाल रहा हूँ, सारे मसाले वगैरह। ओके, अभी ये सॉस सारे हम डाल देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हमने और क्या ऐड किया है। ओके, मैं इसमें रेहान सॉस डाल रही हूँ, क्योंकि आपका हाथ जल ना जाए, बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, तो मैं सॉस डाल दूंगी सबसे पहले। और चाइनीज सॉल्ट ना जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। yes. हम 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट डालेंगे। इसको थोड़ा हिला लेंगे, और इसके बाद हम ब्लैक पेपर डाल देंगे 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर, और इसको फुल मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पर ना गैस खत्म होने मतलब आ रहा नहीं था क्योंकि आजकल ये होता है ठंड में बंद कर देते हैं गैस। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक चूल्हा था तो हमने सोचा क्यों ना हम इसी पे मैगी बना लेते हैं। तो आप लोग आई थिंक पके नहीं होंगे क्योंकि शोर इतना हो रहा था पीछे से, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। मैंने सोचा था क्यों ना मैं साथ ही वॉइस कर लेती हूँ, और इस तरह इसकी वजह से ही मैं वॉइस साथ नहीं करती क्योंकि पीछे शोर बहुत हो रहा होता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं सुकून से करूँ, बिल्कुल रिलैक्स होकर व्लॉग बनाऊँ ताकि शोर ना हो। तो बस सिंपली हमने मैगी बना ली थी और इसके अंदर मैंने तूना भी ऐड कर दिया था। तूने से बहुत अच्छी मैगी बन जाती है और मैंने इतनी सारी बनाई थी जिसकी वजह से बहुत टेस्टी बनी थी और मसाला भी बहुत अच्छा बना था। तो रेहान ने मेरे साथ फर्स्ट टाइम मैगी बनवाई थी। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये देखिए अब मैंने इंदोमी जो नॉर्मली मैगी होती है ना उसको मैंने बॉयल किया था और वो ऐड कर दिया था। और यहाँ पर ये मैगी में ना मैंने थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया तो उससे लुक अच्छा आ जाता है। और ये घर में डेकोरेशन जो थी मैंने सोचा कि ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अब आप लोग ये इन्जॉय करें, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, नेक्स्ट ब्लॉग बहुत अच्छा होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।